हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आज के एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं जीके के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, गुप्त काल में बाल विवाह का प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दो नंबर का। फ्रेंड दो नंबर में ये पूछा गया है कि सोने के सिक्के, मतलब सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए थे, जारी किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों दो नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीन नंबर का। फ्रेंड तीन नंबर में ये पूछा गया है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था, कौन ऐसा गुप्तकाल का शासक था जिसको कविराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर के क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस प्रकार से आपका तीन क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक सेकेंड फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका चार नंबर का। फ्रेंड चार नंबर में यह पूछा गया है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, गुप्त राजवंश जो था किस लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों चार नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन से है दोस्तों, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइव नंबर, मतलब कि पांचवा क्वेश्चन जो है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। तो दोस्तों पांच नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, चेर का। ठीक है दोस्तों, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छह नंबर का। फ्रेंड छह नंबर में यह पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता था। तो दोस्तों छह नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, श्री गुप्त था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सात नंबर का। फ्रेंड सेवन नंबर में यह पूछा गया कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, गुप्त शासक जो थे सरकारी भाषा उनकी कौन सी थी। तो दोस्तों सात नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संस्कृत। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आठ नंबर। फ्रेंड आठ नंबर में यह पूछा गया कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है फ्रेंड, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी लिपि थी जिसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है फ्रेंड, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों आठ नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नौ नंबर। नौ नंबर में दोस्तों ये पूछा गया कि भीम बेताका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नौ नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीम बेताका प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दस नंबर का। फ्रेंड दस नंबर में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो दोस्तों दस नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मणिग्राम। मणिग्राम जो था भारत में व्यापारियों का निगम था। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्यारह नंबर। फ्रेंड ग्यारह नंबर में यह पूछा गया है कि भारत द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, सॉरी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। ठीक है दोस्तों, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला अनाज कौन सा था। तो दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, चावल का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बारह नंबर का। फ्रेंड बारह नंबर में ये पूछा गया कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो
जो शासक गुजरों को पराजित किया था वह कौन था, उसका क्या नाम था, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक जो था गुजरों को पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। फ्रेंड 13 नंबर में ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा भिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिछुड़ी संघ की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर में ये पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था, यही पूछा गया है। तो दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, बिंबसार। बिंबसार शासन, बिंबसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार से 16 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो महावीर भगवान थे उनका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका 17 नंबर का। फ्रेंड 17 नंबर में ये पूछा गया है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो सिद्धार्थ बालक था उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए इस प्रकार से आपका 17 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक रहा। तो दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, हिंदू यूनानी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था भागवत संप्रदाय में, ठीक है, उसके विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। 19 नंबर में ये पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो थे किस क्षेत्रीय कुल के थे। तो दोस्तों 19 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सात के क्षेत्रीय कुल के थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से आपका 19 क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, चलिए देखते हैं 20 नंबर में क्या पूछा गया है। फ्रेंड 20 नंबर में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सबसे पुराना राजवंश प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है।